नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे, इंशाल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। जय हिंद दोस्तों। हाल ही के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के बाद कैसे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली सी मच गई है, कैसे पाकिस्तान के मीडिया बौखला सी गई है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे, इंशाल्लाह। याद रखना मेरे अल्फाज। दोस्तों अब इस पाकिस्तानी मीडिया को कौन समझाया कि जिस कश्मीर की तुम बात कर रही हो उस कश्मीर के लिए 70 साल से तुम्हारे देश के भिखारी गवर्नमेंट दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे चिल्लाता रहा है लेकिन हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। इसी कश्मीर के लिए पाकिस्तान के बुजदिल आर्मी जब इंडियन आर्मी से जीत नहीं पाई तो लाखों की संख्या में आतंकवादी तैयार किए और कश्मीर भेजे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट एवं पाकिस्तानी बुजदिल आर्मी द्वारा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान कश्मीर में इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब इस पगली पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि ये पाकिस्तान की न्यूज स्टूडियो में बैठकर कश्मीर कश्मीर चिल्लाकर और मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलकर इंडिया से कश्मीर छीन लेगी। दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है, अब वक्त आ गया है तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ा तो मोदी सरकार तुम्हें चीर भी देंगे। तो इसी बात पे मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया से कहना चाहूंगा, अब जरूरत पड़ा तो पीओके के साथ साथ लाहौर भी लेंगे, अब जरूरत पड़ा तो पीओके के साथ साथ लाहौर भी लेंगे और बेटा मन कर गया ना तो उसी दिन इस फिजा कुंवर खान को भी इंडिया में खींच लेंगे। दोस्तों आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक हिंदुस्तानी इसी फिजा अकबर खान के शो में आकर पूरे पाकिस्तान का धज्जी उड़ा देता है। भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इकदामात कर रहे हैं, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारत से मेरे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा। नीरज बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान से मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं गुलाम बादशाह, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट्स फाइट अगेंस्ट पाक मीडिया। इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है, क्यों? दोस्तों इस पगली पाकिस्तानी के क्यों का करारा जवाब एक हिंदुस्तानी ने कैसे दिया, गौर से देखिए। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं इधर से उधर। दोस्तों एज ए इंडियन इन्होंने पाकिस्तानी का बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ जवाब दिया, लेकिन इन पाकिस्तानियों को शालीनता और सभ्यता समझ कहाँ आती है, इन्हें तो सिर्फ लात घूसों की भाषा समझ में आती है। इन्हें तो इन पाकिस्तानी को इस तरह समझाना चाहिए, बेटा पाकिस्तानी इंडिया का पीएम पाकिस्तान के पीएम की तरह हाथ में कटोरा लेके हर देश के सामने कटोरा नहीं फैलाता है, इसीलिए इंडिया को किसी भी देश के इशारे पे चलने की जरूरत नहीं है। और तुम पाकिस्तानी मीडिया हम इंडियन को क्या सिखाओगे, तुम्हारे यहाँ पीएम तक अमेरिका के कहने भी बदल जाता है। तो पाकिस्तानी मीडिया फिजा कुंवर खान पहले अपने देश के पीएम को अच्छे से पैंट पहनने के लिए सिखा दो, फिर करना कश्मीर की बात। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।